हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज का जो वीडियो है ये बहुत ज्यादा स्पेशल होने लगा इस, क्योंकि यहाँ पे द बेस्ट पार्ट कि अगर आप यहाँ पे 8th पास आउट है, 10th पास आउट है, 12th पास आउट है, अगर आपने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करी है, इन दैट केस आप फिर भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों जो ओपनिंग है पूरे पैन इंडिया, मतलब इंडिया में किसी भी लोकेशन से, आप किसी छोटे गाँव से भी है, बड़े शहर से भी है, कहीं से भी है, आप यहाँ पे इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओपनिंग है दोस्तों, और यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन है उसका चांसेस यहाँ पे 100% है, क्योंकि यहाँ पे जो एचआर है वो मेरी एक तरह से दोस्ती है, तो ये आपका 100% सिलेक्शन कर लेंगे दोस्तों। पर उससे पहले और इसके अलावा दोस्तों, आप ये जो कंपनी गाइस, ये आप काम करने वाले हैं एयरटेल के अंदर दोस्तों, सैलरी पैकेज आपको फिक्स मिलने वाली, ऑफर लेटर वगैरह सब कुछ गाइस आपको यहाँ पे मिलेगा दोस्तों। तो सब कुछ डिटेल में आपको इस वीडियो में समझ करके उसके बाद ही अप्लाई करना है। आपको समझना है कैसे आपको अप्लाई करना, क्या यहाँ पे सैलरी पैकेज मिलेगी, यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब क्या क्या चीज़ चाहिए आपको, जॉब रोल क्या रहेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट कैसे आपने यहाँ पे अप्लाई करना है, वो सब समझ के आप इस जॉब को अप्लाई करना। उसके अलावा अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए और आपने अभी तक हमारे सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस नहीं कराए, फटाफट वो कर सकते हो, जो उसके बगल वाला बेल आइकन उसको दबा सकते हैं। इससे हमारा ऐसे किसी भी इंपॉर्टेंट जॉब की अपडेट को मिस नहीं कर सकते, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इससे हम आपके लिए ऐसे बहुत सारे शानदार वीडियो लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये ओपनिंग बेसिकली है दक्ष विजन की तरफ से गाइस, ये बहुत बड़ी एक रिक्रूटमेंट की कंपनी है, लेकिन यहाँ पे आप काम करने वाले हैं एयरटेल के लिए दोस्तों। अब मैं पहले यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आप, जैसे मैंने पहले बताया, किसी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से हैं, अगर आपने 8th करा, 10th करा, नहीं भी आपने एजुकेशन करा है तो भी यहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा सैलरी पैकेज की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 15,000 रुपये फिक्स सैलरी मिलने वाली है आपको इंडिया में, पूरे पैन इंडिया में, आप किसी भी जगह से बिलोंग करते हैं यहाँ पे आप 100% अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके अलावा मैं यहाँ पे आपके काम की बात करूँ, क्या आपको यहाँ पे काम कर रहा है दोस्तों, तो ये बेसिकली आपका सेल्स फील्ड का जॉब होने वाला है। यहाँ पे आपको एयरटेल के दिन भर में 7 क्यूआर कोड बांटने हैं। अब वो आप चाहें तो अपने किसी भी दोस्त यार की दुकान पर दे सकते हैं, या फिर किसी भी आसपास जितने भी आपके रिलेटिव है, जान पहचान के लोग, या फिर आपके पास आस पड़ोस में मोहल्ले में जितने भी लोग हैं, जितने भी शॉपकीपर है, या फिर उसके अलावा किसी और लोकेशन जा करके आपको उनसे बात करना है, और उनको उनके दुकान पे, उनके जो भी बिजनेस है, जो भी उनका शॉप है, जो भी उनका जो भी चीज़ें हैं, कोई रेडी है, कोई ठेला है, या कोई भी जगह है, वहाँ पे जाकर के आपको इस क्यूआर कोड को लगाना है। उसका जो प्रोसीजर, वो सारा ट्रेनिंग आपको यहाँ पे ऑनलाइन मिलेगा, उसका चिंता आपको बिल्कुल नहीं करना है, पर वो आपको वहाँ पे लगाना है, शॉपकीपर से बात करके, ये आपका बस काम होने वाला। दिन भर में आपको 7 लगाने हैं, अगर आप 7 से ऊपर लगाते तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छी इंसेंटिव मिलेगी, पर 7 कम से कम आपको दिन में लगाना ही लगाना है, तभी आपको जो 15,000 रुपये की सैलरी महीने में वो आपको यहाँ पे मिल पाएगा दोस्तों। अब ये आपका यहाँ पे काम हो गया, आई होप सब समझ गए हैं। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों, कुछ भी नहीं है, आपने कोई भी किसी भी बैकग्राउंड में पढ़ाई करा, आपने किसी भी ईयर में पास आउट है, आपने पढ़ाई करा है, नहीं करा, 8th है, 10th है, आप यहाँ पे 100% अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। थोड़ा सा आपको बातचीत अच्छे तरीके से करना आता है तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा, बट अगेन नहीं आता है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कि क्या आपको, कैसे आपको यहाँ पे इस जॉब के लिए अप्लाई करना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे अप्लाई करने के लिए बेसिकली मैं आपको ना इस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में, दोनों जगह पे मैं आपको यहाँ पे जो इनकी एचआर है उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, ठीक, उनका नंबर दे दूंगा आपको। उस नंबर को व्हाट्सअप, आपको नंबर को पहले सेव करना है, उस नंबर को सेव करने के बाद आपको उनके व्हाट्सअप पे जाकर के आपका रिज्यूम भेजना है, वहाँ पे जो भी आपका अपडेटेड रिज्यूम है, जो भी आपका नया रिज्यूम है, बेसिक रिज्यूम, कोई ज़्यादा उसमें खास काम नहीं करना आपको, बस नॉर्मल रिज्यूम भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते तो भी आप चाहे तो उनको हेलो बोल सकते हैं और बोल सकते हैं कि मैं यहाँ पे एयरटेल की जॉब के लिए आया हूँ, तो आप बताइए कैसे करना है, ये आप बस उनको मैसेज करना है, और वहाँ से जो आपका, और गाइस उससे इम्पॉर्टेंट कि आपको वहाँ पर लिखना है कि आपको अपने, आप यहाँ पे पवन वर्मा के थ्रू आए हैं, ठीक है, मेरा नाम मेंशन कर सकते हैं वहाँ पे, मेरा नाम पवन वर्मा है, चैनल से देख सकते हो, तो आप वहाँ पे मेरा नाम मेंशन करना जरूर, वो जरूर मेंशन करना गाइस, तभी आपका वो प्रोसेस आगे बढ़ पाया, क्योंकि वहाँ पे जिसने रेफरल करा है वो जानना उनके लिए बहुत जरूरी होता है। तो वहाँ पे आप रेफरल में मेरा नाम डाल सकते हैं कि मैं पवन वर्मा के चैनल के थ्रू यहाँ पे आया हूँ और मुझे ये जॉब के लिए अप्लाई करना है, ऐसे आप वहाँ पे सेंड कर सकते हैं उनके व्हाट्सएप पे। अगर रिज्यूम है आपके पास तो रिज्यूम बना कर दे दीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, नहीं हो तो आप बनवा सकते कहीं से भी, बहुत बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। तो ऐसे दोस्तों अप्लाई करना है। इसके बाद जो हमें, अगर आपके इंटरव्यू की बात करूँ तो बड़ा सिंपल इंटरव्यू आपका होगा, आप जाएंगे, आपको ऑनलाइन सारा काम होने वाला, यहाँ पे जूम पे होगा या फिर किसी और ऑनलाइन माध्यम से होगा, तो वहाँ पे आपका यहाँ पे होने वाला इंटरव्यू बहुत सिंपल इंटरव्यू होगा, थोड़ी बहुत आपके बारे में बातचीत करेंगे, अगर आपने पहले काम करा है तो वो आपसे पूछेंगे, और आपके आपका सिलेक्शन यहाँ पे 100% हो जाना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका फील्ड सीट से काम है, कैसा काम कर रहे हो उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आपको जॉब यहाँ पर स्टेबल रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आप नहीं यहाँ पर अचीव कर पा रहे जो चीज़ें दी जा रही, तो आपका जॉब स्टेबल वैसे नहीं दे पाएगा, तो आपको यहाँ पर डेली एटलीस्ट काम, बहुत सिंपल है दोस्तों, अगर आप चाहें तो आप आराम से कर सकते हैं यहाँ पे,
पर यही है कि आपको लोगों को बात करना अच्छे से आना चाहिए, कन्विंस करना आना चाहिए। ये चीज़ अगर आपको आ रही है और धीरे धीरे एक दो महीने आप काम करो तो अपने आप आपको आ जाएगा। तो वो शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें होगी पर आगे आप आराम से बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे काम कर पाएंगे। तो दोस्तों आई होप मैंने सब कुछ यहाँ पे सारा डिटेल यहाँ पे डाल दिया है। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे अनएजुकेटेड है और आपने पढ़ाई नहीं करा है तो आपके लिए बहुत अच्छी जॉब हो सकती है। इसके अलावा आप मुझे कमेंट बताना कि कोई भी डाउट आपका है, कोई भी क्वेश्चन आप मेरे से कमेंट बॉक्स में 100% पूछ सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आप चाहें तो मेरे से इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं दोस्तों इस वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेस्ट पार्ट गाइस यहाँ पे आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं उन सारे लोगों के साथ जिनको भी यहाँ पे जॉब की नीड है। हो सकता है आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हो जिनको जॉब की नीड है, जिन्होंने पढ़ाई नहीं करा, कोई भी गरीब इंसान हो सकता है, आप उनको ये जॉब भेज सकते हैं। ये उनके लिए बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो आप प्लीज़ दोस्तों इसको अपने किसी भी एक भाई के साथ, कोई भी ऐसा दोस्त जो लग रहा है आपको एजुकेटेड नहीं है, बहुत परेशान चल रहा है फिलहाल लॉकडाउन की वजह से, आप प्लीज़ उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना दोस्तों। इसीलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग कहीं ना कहीं से जॉब तो निकाल लेंगे लेकिन जिनके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन उस लेवल का नहीं है सबसे ज़्यादा गाइस परेशान वो इस पैंडेमिक में वही होते हैं। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू ऑल कि प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कर देना उनके साथ। वीडियो को नहीं शेयर कर सकते हो तो आप चाहो तो उनको लमसम बता सकते हो, नंबर शेयर कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। पर आप वीडियो शेयर कर दोगे तो उनको डिटेल मालूम चल जाएगा और चाहेंगे तो उस अकॉर्डिंग तो आप वो फिर वो अच्छे तरीके से अप्लाई कर पाएंगे, इससे उनको जॉब मिलना आसान हो जाएगा। तो आप प्लीज़ शेयर करना गाइस। इस साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों। गुड लक फॉर द इंटरव्यू।